संजीवनी विद्या पर ठीक है तुम्हें शांति मिली तो बोले नहीं शांति तो नहीं मिली तब फिर विद्या क्या मिली शांति नहीं मिली तो विद्या क्या विवेक क्या तो शांति कैसे मिलेगी अरे त्याग करो तब शांति मिलेगी ये भी पिता पुत्र का संवाद है त्याग करो तब शांति मिलेगी उसने कहा अच्छा तो ये लो कपड़े उतार दिए लंगोटी पहन ली दंड कमंडल ले लिया निकल गया एक बरस के बाद फिर लौट के आया तब बृहस्पति ने पूछा बेटा शांति मिली बोले नहीं मिली पिताजी त्याग सर्वत्याग उसने कमंडलू भी छोड़ दिया दंड भी छोड़ दिया लंगोटी भी छोड़ दी घूम के आए ऐसे एक एक बरस पर घूम घूम के आता रहा पिताजी पूछते बेटा शांति मिली बोले नहीं मिली पिताजी त्याग करो तो उसने कहा कि अब हमारे पास त्याग करने को कुछ नहीं बचा है शरीर ही है तो शरीर का त्याग करूंगा चिता बनाई और शरीर का त्याग करने के लिए चिता में कूदने को तैयार हुआ अग्नि प्रज्वलित की तो बृहस्पति ने हाथ पकड़ लिया तो बेटा इस तरह से त्याग नहीं होता है कपड़े लत्ते का त्याग त्याग नहीं है घर द्वार का त्याग त्याग नहीं है दंड कमंडल का त्याग त्याग नहीं है लंगोटी का त्याग त्याग नहीं है शरीर को अगर तुम चिता में जला दोगे तो उसका भी नाम त्याग नहीं है क्योंकि जिस अवस्था में तुम मरोगे उसी अवस्था में फिर होश में आओगे जहां जीवन समाप्त करोगे वहीं से जीवन का प्रारंभ होगा हम लोग जो समझते हैं कि मरने से समस्याओं का अंत हो जाता है तो वो नहीं फिर उसी अगले जन्म में भी वही समस्याएं और वहीं से जीवन का प्रारंभ होगा हम लोग जो समझते हैं कि मरने से समस्याओं का अंत हो जाता है तो वो नहीं फिर उसी अगले जन्म में भी वही समस्याएं और जटिल होके सामने आते हैं तब त्याग कैसे होगा शांति कैसे मिलेगी तब बृहस्पति ने समझाया चित्तत्यागम सर्वत्यागम पिता अपने चित्त का जो परित्याग है उसको त्याग कहते हैं अपने मन की हो गए अपने मन की हो गए तो त्याग काय का हुआ और भाई गुरु जी ने आज्ञा तो की है पर समझ में नहीं आई तब जरा समझा दें तो गुरु की आज्ञा मानना चाहता है कि अपनी समझ मानना चाहता है जब अपनी समझ में आ जाने पर हम मानते हैं तब आज्ञा नहीं मानते हैं तब अपनी समझ मानते हैं
आज्ञा मानना दूसरी चीज है और अपनी समझ को मानना दूसरी चीज है। आज्ञा देने वाले की समझ नहीं मानी गई, अपनी समझ मानी गई। चित्त त्यागम विदुः सर्वत्यागम, सर्वत्याग करने पर शांति मिलती है। और सर्वत्याग कब होता है? जब चित्त का त्याग होता है। अरे भाई चित्त का त्याग तो बड़ी मुश्किल बात है, समझ में ही ना आवे चित्त त्याग क्या होता है। चाहे गा लो बजा लो हंस लो नाच लो, रिश्तेदार नातेदार बन लो, है मौसी नानी बन जाओ, मौसा नाना बन जाओ, चित्त का त्याग नहीं होता। चित्त में दो चीज होती है, एक तो पुराने संस्कार होते हैं और एक अपनी कल्पना जल्पनाएं होती हैं। तो अपनी मान्यता अपनी धारणा, हमको याद है हमको एक महात्मा ने कहा, हमने बचपन में चिट्ठी लिखी थी, मैं था चक्रवी थे, तो उन्होंने कनखल से एक महात्मा को चिट्ठी लिखी कि हम आपके पास आना चाहते हैं। उसके आगे क्या करोगे, जवाब आया उसका, अब तक जो तुम लोगों ने मान्यताएं अपधारण की हैं सुन सुना के पढ़ पढ़ा के संग साथ से, यदि उनको मैं गलत सिद्ध कर दूं तो तुम उन मान्यताओं को छोड़ सकते हो कि नहीं? यदि छोड़ सकते हो तब हमारे पास आओ, और यदि हम तुम्हारे साथ गलगुच्छन करें घंटों दिनों तक और तुम अपनी मान्यता से तस से मस नहीं होते हो तो हमारे पास आने से कोई फायदा नहीं है, मत आओ, हमारा भी समय व्यर्थ जाएगा तुम्हारा भी जाएगा। ऐसा एक महात्मा ने देखा। त्याग विवेक के द्वारा त्याग, ये पंचभूत का बना शरीर का पुतला जन्मता है मरता है, इसकी ओर से इसमें जो फसाव है उससे निकलो, नहीं तो अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर सकोगे, डरते रहोगे। अपने मन का जो फसाव है अपनी वृत्तियों का, उसमें तो हमेशा पति पत्नी में लड़ाई होगी, माँ बेटे में लड़ाई होगी, बाप बेटे में लड़ाई होगी, भाई भाई में लड़ाई होगी। अपने मन का विवेक चाहिए, त्याग चाहिए। अपने मन को तुम छोड़ सकते हो कि नहीं? अरे मन तो जैसा दूसरे का है वैसे ही अपने का है, हम दूसरे का मन तो बदलना चाहते हैं, अपना मन नहीं बदलना चाहते। एक पत्नी आई एक बार और बोली, महाराज हमको कोई ऐसा मंत्र बताओ कि हमारे पतिदेव के मन में परिवर्तन हो जाए, बदल जाए हमारे पति का मन। तो मैंने उससे कहा, भाई ऐसा मंत्र तो हमको नहीं आता कि पति का मन बदल जाए, ऐसा मंत्र आता है कि तुम जब करो तो तुम्हारा मन बदल जाए। अपना मन बदलने के लिए अगर मंत्र पूछो तब तो हम बता सकते हैं, और दूसरे का मन बदलने के लिए तुम मंत्र पूछते हो तो अपने ही मन क्यों नहीं बदल देते? तो दुनिया में सारी लड़ाई सारा झगड़ा इसी बात का है कि हम अपने मन को छोड़ नहीं सकते। और यह है क्या, संस्कारों का पुंज है, कुछ वहां सुना कुछ वहां सुना, कुछ नाना नानी कुछ बाप दादा कुछ संगी साथी कुछ पढ़ा लिखा, अपने दिमाग में ठूस लिया, अध्यस्त है सारा का सारा, अध्यस्त है, थोपा हुआ है, बाहर से ठूसा हुआ है। विवेक जब जागृत होगा, ये पीढ़ी दर पीढ़ी के संस्कार लगे हुए हैं एक, भविष्य की कल्पनाएं जुड़ी हुई हैं दो, वर्तमान में मोह हो गया है तीन, चित्त का त्याग तो होता ही नहीं। तो विवेक वैराग्य का हेतु साथ निराधार त्याग ये है कि विवेक के द्वारा हम अपनी मान्यताओं से स्थितियों से ऊपर उठ जाए। और एक होता है साधार त्याग। साधार त्याग क्या होता है, भाई अपने चित्त को ईश्वर के प्रति समर्पण करना,
समाविष्टा, अब सत्य समाविष्टा का दूसरा अर्थ था परम गुरु, परमेश्वर ही परम गुरु है। वो माँ बाप होने से भी गुरु है, वो शिक्षक होने से भी गुरु है, वो आनंददाता होने से भी गुरु है, वो द्वितीयात्मबोध कराने वाला होने से गुरु है। इसलिए योग दर्शन में जो सूत्र है ईश्वर के बारे में, स एष पूर्वेषाम अपि गुरुः काले नानवच्छेदात्, परम गुरु है परमेश्वर। तो ईश्वर गुरु कैसे हो गया, ये योग भाष्य में इसका विचार है। योग दर्शन पर बहुत टीका टिप्पणी है, एक आध पढ़ के पंडित मत बनना। उस पर व्यास का भाष्य है, उस पर वाचस्पति की टीका है, उस पर जोगा गणेश की टीका है, भावावृत्ति, उस पर अनेक अनेक टीका टिप्पणी, एक साथ भी 8-10 टीकाएं तो छपी हुई संस्कृत की, भोजराज की वृत्ति है। ये सब पूर्वे शाम ईश्वर गुरु कैसे हो गया, ईश्वर गुरु यों हो गया कि जब उसने सत्व की उपाधि ग्रहण की तो करुणामय हो गया, वो करुणा की मूर्ति। ईश्वर के हृदय में ऐसी करुणा उमड़ी कि वो गुरु हो गया। तो उसकी जो भक्ति है, प्रीति है, उस करुणामय परमेश्वर से जब प्रेम होगा तो संसार का त्याग होगा। संसार का त्याग माने रुपए पैसे का त्याग नहीं, वो तो बहुत छोटी बात है। ये जो संसार में आसक्ति है इसका त्याग हो गया। तो साधार त्याग का अर्थ होता है ईश्वर से प्रेम हो, ईश्वर का संग्रह हो, बारंबार हमारे मन में ईश्वर का चिंतन होने लगे तो संसार का त्याग हो जाता है। तो त्याग होने के लिए विवेक वैराग्य के हेतु सत्वगुण में बैठना पड़ता है। इससे क्या होता है कि मेधा आती है, जाम मेधा देवगणाः पितरश्चोपासते तया मामद्य मेधया अग्ने मेधाविनं कुरु। मेधा माने आत्मज्ञान लक्षण प्रज्ञा, मेधा मेधा चाहिए, मेधा। मेध शब्द का एक अर्थ हिंसा भी होता है, आप तो जानते हैं गोमेध नरमेध अश्वमेध, हाँ, तो मेधरी हिंसायाम है। जो संपूर्ण दृश्य प्रपंच का बाध करने में समर्थ हो उसको मेधा कहते हैं। जो स्वप्रकाश सर्वाधिष्ठान आत्मदेव हैं, इनमें ये संपूर्ण दृश्य प्रपंच मिथ्या। एक महात्मा ने एक महात्मा से पूछा कि महाराज कोई सार सार बात बता दो। बोले सार बात ये भाई कि जो दृश्य है उसमें आस्था मत कर। इसका नाम त्याग हुआ। दृष्टा अपना त्याग कभी कर नहीं सकता, आत्मा का त्याग कभी नहीं होता, और अनात्मा कभी जुड़ता नहीं है, अनात्मा आत्मा से कभी जुड़ता नहीं। ये भ्रम है कि आत्मा अनात्मा के साथ मिल गई। इस भ्रम को मिटाने वाली जो बुद्धि है उसका नाम होता है मेधा, और मेधा से जो युक्त है उसको मेधावी बोलते हैं। जैसे तपस्वी, मनस्वी, वर्चस्वी, वैसे मेधावी शब्द के हैं।
मेधावान, मेधावान। फंसाव तुम्हारा कहाँ है, क्या नहीं छोड़ सकते हो? वो प्रज्ञा चाहिए, वो बुद्धि चाहिए, जहां अपना है आत्मा है सत्य, इसके सिवाय और किसी सत्य की जरूरत नहीं। सब त्याग है, आत्मा ज्ञान है, तो और किसी ज्ञेय की जरूरत नहीं है। तो अन्य नाम रूप का त्याग हुआ, अन्य ज्ञेय का त्याग हुआ, आत्मा स्वयं आनंद स्वरूप है, भोग की आवश्यकता नहीं है। हम भोग से सुखी होते हैं ये भ्रम है, हम वृत्तियों से ज्ञानी होते हैं ये भ्रम है, हम नाम रूप से सत्य होते हैं ये भ्रम है। हम नाम रूप से सत्य नहीं है, हम वृत्तियों से ज्ञानी नहीं है, हम भोग से आनंदी नहीं है। आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न विभेति कुतश्चन, ये मेधा है, इसका नाम है ये मेधा, आत्मज्ञानी पुरुष। गृहस्थों की सन्यासी, ये प्रश्न नहीं है कपड़े सफेद हैं कि लाल, ये प्रश्न नहीं है। अगर लाल कपड़े से ज्ञान होता हो तो हम दुनिया में लाल ही कपड़ा बनने दें, दूसरे रंग का बनने ही न दें, सब लोगों को मजबूर होकर के लाल पहनना पड़ता। लाल कपड़ा पहनने से ज्ञान नहीं होता, चोटी कटाने से ज्ञान होता है, तो सब मुसलमानों को ईसाइयों को ज्ञान होना चाहिए। जरेऊ निकालने से ज्ञान होता है तो सभी आदिवासियों को ज्ञान होना चाहिए। कपड़े के रंग में, चोटी कटाने में, जनेऊ निकालने में ज्ञान का निवास नहीं है। दृश्य में आपकी कहां आस्था है, जरा इस पर विचार तो कीजिए। दृश्य में आस्था माने अध्यस्त में आस्था, दृश्य में आस्था माने भोग्य में आस्था, दृश्य में आस्था माने ज्ञेय में आस्था, दृश्य में आस्था माने नाम रूप में आस्था, दृश्य में आस्था माने अन्य में आस्था। वेदांत की बात मेधावी, तब जाकर कहीं संछिन्न संशय, छिन्न संशय ज्ञान संछिन्न संशय आत्मवंतम न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। वहां भी सन्यासी गृहस्थ का प्रश्न नहीं है, वहां भी प्रश्न है ज्ञान संछिन्न संशयम आत्मवंतम न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। ऐसा ज्ञान होना चाहिए कि मन में कोई दुविधा ही न रहे। जब तक द्वैत है तब तक डाउट है, वो द्वैत और डाउट एक ही है ना, हाँ इसी को संशय बोलते हैं। द्वैत, द्वैत, द्वैध दोनों शब्द हैं, द्वैध भी है द्वैत भी है, फिर द्वैत का ही दुविधा, द्विविधा संस्कृत का द्विविधा शब्द है। जब तक मन में दुविधा है तब तक महाराज निर्द्वंद होके शेर की तरह नहीं चल सकते सृष्टि। कौन आ गया, कौन छूट गया, ये है संशय। काट दो, कैसे काटोगे, जब मेधा मिलेगी तो मेधा कैसे मिलेगी, कि जब सत्वगुण में बैठोगे, सत्वगुण में कब बैठोगे, जब त्याग करोगे। फल त्याग, सर्वकर्म फल त्याग, न द्वेष कुशलं कर्म कुशले नानुसज्जते, त्यागी सत्व समाविष्टो मेधावी छिन्न संशयः, नहि देह भृता शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः, यस्तु कर्म फल त्यागी स त्यागी इत्यभिधीयते।
बोले बाबा त्यागी त्यागी करते हो, त्यागी होता कौन है वो तो बताओ। अब जैसे त्यागी सत्व समाविष्टा में जो त्यागी है इसका व्याख्यान करना है, इसकी व्याख्या करना है। तो बोले भाई वेद में त्यागी कहाँ है, उपनिषद में त्यागी कहाँ है, सबका अलग 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 त्याग, चार्वाक दृष्टि से त्याग अलग है, जैन दृष्टि से त्याग अलग है, बौद्ध दृष्टि से त्याग अलग है, न्याय वैशेषिक सांख्य योग पूर्व मीमांसा उत्तर मीमांसा की दृष्टि से त्याग अलग है। तो अब यहाँ त्यागी माने क्या? तो कृष्ण संशय में नहीं छोड़ते हो, व्याख्या कर रहे हैं। यस्तु कर्म फल त्यागी सत्यागी त्यभिधीयते। प्यारे अर्जुन, मैंने त्यागी उसको कहा है जो कर्म फल त्यागी है। क्यों महाराज, कर्म त्यागी को आप त्यागी क्यों नहीं कहते? कर्म फल त्यागी को त्यागी क्यों कहते हैं? तो कृष्ण ने इसकी व्युत्पत्ति दी। क्या व्युत्पत्ति दी? नहीं देह धृता शक्यम त्यक्तुम कर्माण यशेषता। देह भृता, देह कहते हैं शरीर का नाम है एक देह। तो देह माने होता है ढेर राशि, जैसे कई चीज मिला के कोई कूड़ा रख दिया गया हो। दीह उपचय धातु है संस्कृत में, दीह उपचय, उपचय माने इकट्ठी की हुई राशि ढेर। ये देह आपका क्या है? हड्डी है ना, इसमें हड्डी है, मांस है, खून है, अविष्ठा है, मूत्र है, नसें हैं, मेद है, मज्जा है, ये चाम के पुड़िया में ये रखी हुई बहुत सारी चीजों की एक पुड़िया है। यह देह क्या है? बहुत सारी चीजों की एक पुड़िया बना के रखे हुए ढेर है। इसमें ये जो उंगलियां हैं, एक उंगली में दो गांठ बीच में होती हैं, तो तीन हिस्से हो गए इसके, तीन कोरवे हो गए वो एक उंगली में। फिर अलग अलग हड्डियां होती हैं, फिर पहुंचे तक की अलग होती है, कंठी तक की अलग होती है, पखुरे तक की अलग होती है, पांव की उंगलियां टखने तक, फिर घुटने तक, फिर जांघ तक। आप लोगों ने कभी देखा होगा गंगा किनारे नदियों के किनारे श्मशान में मुर्दे पड़े रहते हैं ना, वो हड्डियां महाराज अलग 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 हड्डियां दिखाई देती हैं। उनका ढेर है ये शरीर। तो जो चीज मोटर की तरह कई चीजों से जोड़कर बनती है वो किसी दूसरे की सेवा के लिए होती है, अपने लिए नहीं होती। जैसे कई पुर्जे जोड़कर मोटर बने, तो मोटर मोटर के लिए नहीं बने, मोटर मोटर के मालिक के लिए बने। तो ये जो कई पुर्जों को जोड़ करके ये शरीर बना है, ये शरीर के लिए नहीं है, ये शरीर के मालिक के लिए है। ये जो इकट्ठा हुआ है, ये पुड़िया जो बनी है देह की, ये कई चीजों को इकट्ठी करके बनी है, मैं नहीं है, इसका मालिक कोई अलग है। तो जो इसका मालिक बना बैठा है कि ये देह मेरा है, ये देह मैं हूं, स्वयं देह बन के बैठे और चाहे कि मैं कर्मों को छोड़ दूं, तो देह रहते कर्म नहीं छूट सकते। बाल बढ़ेंगे, भोजन पकेगा, मलापसरण होगा, बिना खून चले तो शरीर चल ही नहीं सकता।
कोई कहे कि शरीर तो रहे और कर्म न रहे। हमने पत्थर भी ऐसे देखे हैं, वो बच्चे पत्थर, वो बड़े होते हैं फिर बढ़ते हैं। गीली जगह में जो पत्थर, छोटे छोटे पत्थरों के टुकड़े होते हैं, गोल गोल गोल, लंबे गोल, उनको जब तरी मिलती है, माटी की खुराक मिलती है, तो वो बड़े हो जाते हैं। तो ये जो देह को मैं मेरा मानने वाला है, वो जब तक देह रहेगा तब तक कर्म तो होता ही रहेगा। तो यदि वो कहे कि हमने संपूर्ण रूप से कर्म छोड़ दिया तो ये बात झूठी है। अच्छा, कर्म तो रहने दो, कर्म फल मत चाहो। जो कर्म फल का त्यागी है उसको त्यागी कहते हैं। वही शुद्ध अंतःकरण में स्थित होता है, उसी को आत्मज्ञान की मेधा प्राप्त होती है, उसी के संशय कटते हैं और वही राग द्वेष से विनिर्मुक्त होकर के जीवन व्यतीत करता है। इसलिए तत्वज्ञान की अपूर्व महिमा इस कर्म के प्रसंग में भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं। अब आज इतने।